ब्रयन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने मुंबई से तौकते चक्रवर्ती तूफान गुजरने की भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की चेतावनी के मद्देनजर 580 कोविड मरीजों को देखभाल केंद्रों से ट्रांसफर कर दिया है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय ने कोविड 19 देखभाल केंद्रों से 580 मरीजों जिनमें से बीकेसी से 243, दहीसर से 183 और मुलुंड से 154 को मुंबई के राज्य सरकार और नगर निकाय द्वारा संचालित अस्पतालों में शनिवार रात ट्रांसफर कर दिया। आईएमडी ने घोषणा की थी कि चक्रवात रविवार को शहर से गुजर सकता है। इसी के मद्देनजर अधिकारी बांद्रा वर्ली सी लिंक एहतियातन बंद करने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। बीएमसी ने शुक्रवार को शहर के अस्पतालों को सतर्क किया था कि बिस्तरों और ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता को लेकर अंतिम समय में कोई अव्यवस्था नहीं हो। अधिकारी ने बताया कि मुंबई में उपनगरीय रेल सेवा रविवार को जारी रहेगी। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा था कि तौकते और मजबूत हो गया है और यह गुजरात तट एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली तट की ओर बढ़ रहा है। अधिकारियों ने कहा था कि तूफान के शनिवार देर रात तक बहुत गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील होने की संभावना है। विभाग ने कहा था कि इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की दोपहर के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा था कि तूफान के शनिवार देर रात या रविवार तड़के मुंबई से कुछ दूरी से गुजरने की संभावना है, इसलिए अधिक नुकसान होने की आशंका नहीं है, लेकिन मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवाएं चल सकती है और भारी बारिश हो सकती है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।